फिल्मों में अपने आप को सुपरस्टार और पावर स्टार कहना बहुत आसान है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो राजनीति के इस विरासत में बड़े बड़े सुपरस्टार काराकाट और आजमगढ़ में पानी भरने लगते हैं, तीसरे और दूसरे नंबर की फाइट में आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर कोई सुपरस्टार और पावर स्टार है तो वो है भैया चिराग पासवान। आज इस वीडियो में बात करेंगे चिराग पासवान की कि किस तरीके से कट्टों की लहरी छमक छल्लो रानी, ये गाना आपने सुना होगा, इसमें जो लीड में एक्टर है जो डांस कर रहे हैं वही है चिराग पासवान, रामविलास पासवान के सुपुत्र। पहले इनको मूवी बनाने का बहुत शौक था, इसलिए इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो राजनीति वाजनीति नहीं करेंगे, हम बनाएंगे भैया मूवी, और मूवी की तरफ निकल पड़े। लेकिन 2020 में जब रामविलास पासवान का निधन हो गया तो पार्टी का पूरा दामोदार चिराग पासवान पे आ गया, और चिराग पासवान की वहाँ से शुरू हुई राजनीतिक कैरियर। और यूं कहें कि फिल्मों में अपने आप को सुपरस्टार और पावर स्टार बना लेना बहुत आसान है, लेकिन राजनीति में अपने आप को सुपरस्टार और पावर स्टार बनाना इतना आसान नहीं है। 2020 विधानसभा चुनाव में NDA से अलग होकर चिराग पासवान ने पूरा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और महज एक सीट जीत सके। तब चिराग पासवान को ये पता चल गया कि फिल्मी बातें अलग हैं लेकिन धरातल पर चीज़ें अलग हैं। रामविलास पासवान वो शख्स थे जिन्होंने सबसे अधिक वोटों से जीतने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि पिता की विरासत को आप तब तक संभाल सकते हो जब तक आपके अंदर हुनर और गुण है, अगर नहीं है तो फिर नहीं संभाल सकते हो। इस बात को चिराग पासवान भली भांति जान चुके थे और इन्होंने सीधा टक्कर बिहार की मुख्यमंत्री या अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से लिया, और उस समय LJP की महज एक सीट आई। उसके बाद ये BJP से भी अलग हो गए, यानी BJP का जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन उससे भी अलग हो गए। फिर इनको समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, बिहार में अपना पैर पसारना इतना आसान नहीं है। उसके बाद पार्टी में भी दो फाड़ हो गए। 2021 में इनके चाचा परशुराम पारस, जो पार्टी के 6 विधायकों में से 4 विधायकों को तोड़कर NDA गुट में चले गए, यानी BJP वाले गुट में चले गए। अब चिराग पासवान करें तो करें क्या, पार्टी का भी अस्तित्व लगभग खतरे में था और राजनीति तो इनकी पहले से ही खतरे में थी। तो यहाँ पर चिराग पासवान काफ़ी दिनों तक शांत बैठे रहे। उसके बाद रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वार्षिक पत्र लिखा और उसमें रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। वहाँ से शुरू हुई मोदी और चिराग पासवान की मीटिंग। अब यहाँ से शुरू ये हुआ कि फिर से चिराग पासवान ने NDA में शामिल होने का मन बनाया और 2022 में चिराग पासवान फिर से NDA में शामिल हो गए, और तब से लेकर अब तक चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवक या यूं कहें कि हनुमान कहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंचों से चिराग पासवान ने अपने आप को हनुमान कहा है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में इतना आसान नहीं होता है पावर स्टार बनना। अगर आपको लोकसभा चुनाव में सीटें भी दे दी जाए तब भी लोग नहीं जीत पाते हैं, जैसे पवन सिंह निरहुआ। मैं यहाँ पर किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्मी विरासत अलग है लेकिन राजनीतिक विरासत अलग है। अगर आपको राजनीति में वास्तव में अपने आप को सिद्ध करना है तो आपका धरातल पर उतरकर काम करना पड़ेगा। चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा निकाली और आशीर्वाद यात्रा का ये परिणाम रहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में LJP को 5 में से 5 सीट यानी 100 में से 100 सीट जीत गई। और उसके बाद चिराग पासवान सिनेमा की पावर स्टार से लेकर राजनीति के पावर स्टार बन गए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्री पद का शपथ लिया। हालांकि चिराग पासवान ने अपने पिता की विरासत और पार्टी के अस्तित्व दोनों को बचाया और 2024 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3.0 कैबिनेट है उसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में अभी हाल फिलहाल में शपथ लिया है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि फिल्मों में आपको पावर स्टार बनना बहुत आसान है लेकिन राजनीति में पावर स्टार बनना बहुत मुश्किल है। फिलहाल चिराग पासवान का ये राजनीतिक सफर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स,
मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।